ट्विन टावर गिराए जाने के दिन इन सड़कों का करना होगा इस्तेमाल, इन रास्तों पर गए तो लौटना पड़ेगा वापस। नोएडा सेक्टर 93 में बने सुपरटेक ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण में अब कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। 28 अगस्त दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। इसे गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग कुछ सेकंड में 32 मंजिला ट्विन टावर को ब्लास्ट के लिए जमी दोस्त कर देगी। एक और जहां ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण के मद्देनजर वहां आसपास की सोसाइटी और टावर में रह रहे लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं ट्रैफिक पुलिस ने भी ब्लास्ट वाले दिन आमजन की सुरक्षा और सुचारू यातायात व्यवस्था के लिए कुछ मार्गों पर एंट्री बैन कर दी है। कुछ मार्गों का डायवर्जन किया जाएगा जिससे लोगों को इस ध्वस्तीकरण से तकलीफ ना हो और उनकी सुरक्षा बनी रहे। ट्विन टावर ध्वस्तीकरण को लेकर पुलिस और ट्रैफिक विभाग ने प्रेस वार्ता की, ट्रैफिक डायवर्जन के बारे में जानकारी दी। लगभग 400 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। ट्विन टावर के चारों ओर की सड़कें रहेंगी बंद। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे रहेंगे आधे घंटे के लिए बंद। धूल से ज्यादा होने वाले आधे घंटे से ज्यादा देर तक एक्सप्रेसवे किया जा सकता है बंद। 28 अगस्त को सुबह 7 बजे से जब तक ध्वस्तीकरण खत्म नहीं होता और एसिफिस इंजीनियरिंग की ओर से नोएडा ट्रैफिक और पुलिस विभाग को हरी झंडी नहीं मिलती, तब तक ATS तिराहा से गेजा फल सब्जी मंडी तिराहा तक मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। इसके अलावा एडिल्को चौक से सेक्टर 108 की ओर डबल मार्ग और सर्विस रोड, श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 92 रतिराम चौक तक डबल मार्ग, श्रमिक कुंज चौक से सेक्टर 132 की ओर फरीदाबाद फ्लाईओवर और सेक्टर 128 से श्रमिक कुंज चौक तक फरीदाबाद फ्लाईओवर बंद रहेगा। ये सभी मार्ग सुबह 7 बजे से ध्वस्तीकरण की समाप्ति तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक विभाग के मुताबिक नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी कुछ देर के लिए यातायात डायवर्जन रहेगा। ये डायवर्जन 28 अगस्त को दोपहर 2:15 से ध्वस्तीकरण के बाद धूल का गुबार शांत होने तक रहेगा। इस दौरान एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करने वाले वाहनों को डायवर्ट किया जाएगा। देखिए, ट्रैफिक की एडवाइजरी कल ही जारी कर दी गई है और लगातार इसको अपडेट भी किया जा रहा है। अपडेट करने का मतलब उसको रिपीट करके दिया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि हमने गूगल मैप में आपको पूरे ट्रैफिक प्लान को ब्रीफ किया है। बेसिकली ट्रैफिक जो हमारा प्लान है सेम डे के लिए, जिस दिन ब्लास्ट का दिन है, ट्विन टावर के आसपास के जो कनेक्टिंग रोड हैं, विशेषकर ट्विन टावर को घेरने वाले रोड और उसको जोड़ने वाले रोड, उसको सुबह 7 बजे से ही प्रतिबंधित किया जाएगा, बैरियर के माध्यम से रोका जाएगा। लेकिन ट्विन टावर के अंदर सोसाइटी से कोई गाड़ी बाहर जाती है तो उनको बिल्कुल जाने दिया जाएगा। दूसरा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की बात है, ब्लास्ट के समय जो दोपहर का समय 2:15 से आप 2:45 कह सकते हैं, वो समय आगे पीछे भी हो सकता है, तो ब्लास्ट के समय से 15 मिनट पहले नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को बंद किया जाएगा और उससे पहले हमने डायवर्जन करेंगे। नोएडा से आने की बात हो तो हम महामाया से डायवर्जन होगा और थोड़ी दूर आगे अगर वॉल्यूम कम रहेगा तो हम उस गाड़ी को आगे से लेकर 108 के पीछे जो हमारा निकलता है गेजा की तरफ, वहाँ भी मोड़ सकते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा से आते हैं तो पुस्ता रोड भी है और पड़ी चौक भी है, लेकिन मेजर जो आपके डायवर्जन हो गए एक्सप्रेस वे के लिए वो महामाया होगा नोएडा की तरफ से और पड़ी चौक होगा ग्रेटर नोएडा की तरफ। कैसे कैसे ट्रैफिक पुलिस लगाएगी? देखिए, ट्रैफिक पुलिस के जो पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट है, एक बैरियर पॉइंट है, डायवर्जन पॉइंट है, इमरजेंसी कॉरिडोर है, पार्किंग व्यवस्था है, सामान्य ड्यूटियाँ हैं और जिस जगह ब्लास्ट के आसपास की ड्यूटी है, सिर्फ बाहर की ड्यूटी है कि अन्य जगहों पर जाम ना हो, वो है कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई है, जो गूगल मैप में लगातार ट्रैफिक का अपडेट लेंगे। हम ट्रैफिक बुलेटिन भी जारी करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हर 15 मिनट में, ताकि कोई असमंजस की स्थिति ना हो। सुरक्षा को लेकर क्या बात है? सुरक्षा को लेकर जितने भी सारी तैयारी DCP सेंटर साहब ने ऑलरेडी आपको ब्रीफ कर दिया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।